हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है 2 जून को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आने से पहले सभी लोग जानते होंगे कि इसमें हमें इंडियन स्पाइडरमैन भी देखने को मिलने वाला है। तो कई लोग इसकी ओरिजिन नहीं जानते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इसकी ओरिजिन बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है वीवी टॉक्स पर। तो इंडियन स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारी इंडियन कल्चर से बहुत ही मैच करती है। पवित्र प्रभाकर मुंबई के छोटे गांव से बिलोंग करता है। पवित्र के पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो अपने अंकल भीम और आंट माया के साथ रहता है। मुंबई के सबसे अच्छे स्कूल में हमारा पवित्र पढ़ता था, जहां उसे सब बुली किया करते थे, उसे परेशान करते थे उसके गांव वाले लुक्स को देकर। इन सबसे परेशान होकर पवित्र रो रहा होता है, तो उसके अंकल उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे ऐसी एजुकेशन गांव में नहीं मिल पाती जैसी उसे शहर से मिल रही है। अंकल उसे वही फेमस लाइन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अलग टैलेंट है, एक अलग काबिलियत है, और बड़े टैलेंट और पावर्स के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। आने वाले टाइम में तुम अपने देश के लिए बहुत कुछ करोगे। रोजाना स्कूल में पवित्र को सब बोली करते थे। अब बेचारा स्कूल भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके अंकल जैसे तैसे उसकी स्कूल फीस देते थे। लेकिन स्कूल में उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था मीरा जेन। जी हाँ, ये इस यूनिवर्स की मैरी जेन है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर किया करता था। पवित्र को रोजाना अपने सपनों में कोई एक साधु दिखता है जो उसे पावर्स के बारे में बात करता है। मीरा उससे कहती है पहले उसके साथ भी ऐसे ही हुआ करता था क्योंकि वो भी एक गांव से बिलोंग करती है। वो कहती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसी शहर का एक फेमस बिजनेसमैन नलिन ओब्रॉय एक तावीज की तलाश में था जिसमें डीमन की पावर्स कैद थी। उसके थ्रू और डीमन्स को अर्थ पर बुलाया जा सकता था, और जैसे तैसे नलिन को वो तावीज मिल जाता है जिसे पहनकर वो एक बड़े हरे मॉन्स्टर में बदल जाता है, यानी इस यूनिवर्स का ग्रीन गोब्लिन बन जाता है। फिर नलिन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज हो जाती है, एक नलिन की और दूसरी उस हरे मॉन्स्टर की। और वहीं दूसरी तरफ अपने पवित्र को एक साधु मिलता है जो उससे कहता है कि हर युग में इन राक्षसों को मारने के लिए देवताओं ने जन्म लिया है। इन राक्षसों ने पृथ्वी पर बहुत आतंक मचा रखा था जिसकी वजह से देवताओं ने इन्हें कैद कर दिया था कहीं दूर अंतरिक्ष में। लेकिन उनमें से कुछ राक्षस अपने आप को धरती पर छुपाने में कामयाब हुए। उन्होंने अपने आप को किसी न किसी चीज में कैद कर लिया ताकि वो पृथ्वी पर रह सके। उनमें से एक वो तावीज भी था जो नलिन के पास था। फिर वो साधु कहता है कि इस कलयुग में अभी तक उस राक्षस को मारने के लिए किसी देवता ने जन्म नहीं लिया है, इसलिए देवताओं ने तुम्हें चुना है उस राक्षस को मारने के लिए। और वो साधु उसे स्पाइडर्स की पावर्स देकर गायब हो जाता है और पवित्र बेहोश हो जाता है। और जब अपने पवित्र की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर पाता है और वो देखता है कि वो एक कूल सी कॉस्ट्यूम में था जो कि स्पाइडरमैन की थी। तो अपना स्पाइडरमैन एक एक करके अपनी सारी पावर्स चेक कर रहा होता है। तो वो स्विंग करते हुए एक गली से गुजर रहा था जहाँ वो देखता है कि एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। लेकिन उसका स्पाइडर सेंस उसे कुछ बुरे का एहसास कराता है, तो इसलिए वो वापस वहां पर जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल भीम नहीं रहे क्योंकि अंकल भीम ही उस लड़की को बचाने के लिए सामने आ गए थे उन गुंडों के, जिसकी वजह से अंकल भीम मारे गए। और ये जानकर पवित्र उन गुंडों को बहुत मारता है और फिर वो अपने अंकल के पास जाके बहुत रोता है। और उसे तब रियलाइज होता है ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर जब भी स्पाइडरमैन कहीं भी क्राइम होते हुए देखता है तो वो उनकी मदद करने जरूर पहुंच जाता है और क्राइम के अगेंस्ट लड़ता है। स्पाइडरमैन बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नलिन के ऊपर वो मॉन्स्टर हावी हो चुका था। नलिन और वो मॉन्स्टर दोनों आपस में एक सौदा करते हैं कि मॉन्स्टर कहता है कि वो उसे ये लड़का लाकर दे। ये लड़का और कोई नहीं पवित्र ही था, और बदले में वो उसे अपनी सारी ताकतें दे देगा। तो नलिन ये काम एक डॉक्टर को सौंपता है जो कि उसके अंडर ही काम करता था। ये और कोई नहीं इस यूनिवर्स का डॉक्टर ऑक्टोपस है। नलिन डॉक ऑक को भी एक मॉन्स्टर में तब्दील कर देता है जिसके 8 हाथ होते हैं और उनमें से अलग ही एनर्जी निकल रही होती है। पवित्र अपने दोस्तों के साथ एक क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहा होता है जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ पवित्र अपने दोस्तों से अलग जाकर अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आता है। और यहां पर हमें देखने को मिलती है डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन के बीच में एक बहुत ही अमेजिंग फाइट जिसके एंड में हमारा स्पाइडरमैन जीत जाता है और वो जैसे तैसे डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देता है और लोगों को बचा लेता है। अब इसके बाद जब पवित्र अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंट माया को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर वो अपनी आंट माया को ढूंढते ढूंढते देखता है कि उसे किसी और ने नहीं नलिन ने किडनैप किया था। और नलिन वहां पर दूसरे मॉन्स्टर्स को बुलाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही स्पाइडरमैन नलिन के पास पहुंचता है तो नलिन एक हाथ में मीरा और दूसरे हाथ आंट माया को पकड़े रखता है और दोनों को एक साथ छोड़ देता है। स्पाइडरमैन स्विंग करके आंट माया को तो बचा लेता है, लेकिन वो मीरा को बचाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन मीरा को अपने डॉक्टर ऑक्टोपस बचा लेते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस फिर नलिन से बहस भी करते हैं
नहीं इस बात पर कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये राक्षस धरती पर आकर क्या पता हम सबको ही मार डाले। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बेटे हरि के बारे में तो सोचो। लेकिन वो हरा मॉन्स्टर नलिन के ऊपर हावी हो चुका था और वो उसकी एक नहीं सुनता। और वो मॉन्स्टर डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। स्पाइडरमैन नलिन को रोकने की जैसे तैसे कोशिश करता है, लेकिन नलिन उसे उसकी यादों की मदद से कमजोर करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि याद करो जब तुम्हें स्कूल में सब बुली किया करते थे, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे अंकल की डेथ हो गई। लेकिन अपना स्पाइडी उसके बहकावे में नहीं आता और वो अपने अंकल की उन कही बातों को याद करता है कि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। और फिर वो जैसे तैसे नलिन के गले से वो तावीज निकाल लेता है और ऐसा करते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सब शांत हो जाता है। नलिन अपने इंसान वाले रूप में आ गया था और उसे पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। हम एंड में देख रहे हैं कि सब बहुत खुश है और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपना फ्लैश स्पाइडरमैन का कट्टर फैन हो चुका है। तो ये थी हमारे इंडियन स्पाइडरमैन यानी पवित्र परवाकर की ओरिजिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, पवित्र की ऑफिशियल हिंदी वॉइस दे रहे हैं हमारे क्रिकेटर शुभम गिल, ये तो आपको पता ही होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।